हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा मेले के ऊपर शूट कर रहे हैं। सो हमने एक मेले का वीडियो डाला था, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि भैया ना, आपने ना बहुत सी चीज़ें दिखाई नहीं है मेले की। तो आज पूरा टोटली वीडियो मेले का आएगा, और इसमें कितने झूले लगे हैं, क्या क्या झूले हैं, क्या क्या खाने की चीज़ें, सबका वीडियो हम शूट कर रहे हैं। और कितने पैसे किस झूले के आप दे रहे हो, तो ये भी आज हम पूरा मतलब वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो आप मेरे बैक साइड में पूरा देख रहे हो ना, अभी पूरा मेला लगा हुआ है और काफ़ी शानदार आज मतलब रौनक है पूरे मेले के अंदर। देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो हम चलते हैं मेले के अंदर और करते हैं वहाँ पे मस्ती। बाय। तो गाइस, सबसे पहले मेले के अंदर एंट्री करते ही अपने पास आता है पान की दुकान। तो आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पे मीठे पान तो काफी वैरायटी है, और कोई जर्दे का शौकीन है तो जर्दे के पान भी है, लेकिन एक स्पेशल पान यहाँ पे बन रहा है, फायर वाला पान। आग से जलता हुआ पान आपके मुंह के अंदर डाला जाएगा, और जिसकी कीमत है 50 रुपये। तो आप कह रहे हैं, जो भी भाई टेस्ट करना चाहता आ सकता है। फिलहाल 50 रुपये में मुंह में आग जलती हुई डालेंगे। तो गाइस आगे चलते हैं। तो गाइस चैलेंज है, इससे जबरदस्त ठंडा पूरे मेले में नहीं मिलेगा। तो गाइस, इस झूले का नाम मुझे प्रॉपर पता नहीं है, लेकिन शायद इस झूले को मेरे आइडिया से बोलते हैं स्माइली झूला है। लेकिन भाई देख के ही स्माइल आ रही है, बैठने के बाद जान निकल जाएगी। ऐसे गर्दन को पटक पटक के मारेगा ना ये झूला। मैं तो नहीं झूल पाऊँगा, बच्चे काफ़ी झूलते हैं, काफ़ी लोग झूलते हैं, बढ़िया है। तो गाइस ये है ड्रैगन, जिसकी रेट है 50 रुपये। लगभग जितने भी झूले हैं बड़े वाले, इनकी रेट लगभग 50 रुपये है। और भाई काफ़ी ख़तरनाक है, इसके ऊपर वाली चोटी के ऊपर बैठ जाओ आप एक बार सीट पे, तो भाई ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ऊपर जाएगा तो ऐसे लगा नीचे पटकने वाला है। और ये है सबसे शानदार झूला गाइस, ब्रेक डांस। नाम ही ब्रेक डांस है, तो समझ लो इसमें जो बैठ गया ना वो ब्रेक डांस ही करेगा। आपको ऐसे उछालेगा, ये ऐसे लगेगा कभी तो कि जैसे बाहर पटकने वाला, कभी लगेगा कि मेरी गर्दन पता नहीं किधर घूम रही है। मैं तो लाइफ में एक बार ही बैठा हूँ, हालांकि लोग इनमें घूमते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, और है भी काफ़ी बढ़िया झूले ये देखो। वो सबकी अलग अलग है, मैं नहीं बैठ पाता ऐसे झूलों के अंदर, लेकिन काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं। हमारा कार्तिक है, वो काफ़ी इन्जॉय करता है इन झूलों के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया है। रेट वही 50 रुपीज़ है लगभग इन सब के। अब की बार क्या है दोस्तों कि है ना, लॉकडाउन के बाद ना लोग काफ़ी दिनों से घर से बाहर निकले हैं, इसलिए मेले में काफ़ी रश है। हमने बड़े वाले तो झूले देख लिए, अभी छोटे वाले बच्चों के झूले और दिखाते हैं, वो भी काफ़ी मस्त झूले लगे हैं इस बार। तो गाइज आप लोगों को एक बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ, ये जो झूले ना स्पेशली मेरे लायक, मैं सिर्फ इन्हीं झूलों में झूल सकता हूँ। बड़े वाले झूलों में तो मुझे डर लगता है, मुझे चक्कर आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल नई चीज़ आई है इस बार मेले में, रिमोट वाली गाड़ी है। बच्चे को बिठा दो और वो भैया उनके हाथ में रिमोट है, और वो आराम से मतलब बच्चे को चारों तरफ घुमा देंगे। लगभग इसके भी 50 रुपये चार्ज है इस गाड़ी के, और काफ़ी बढ़िया है। मतलब इस बार बच्चों को लेके आना मेले में काफ़ी नई नई चीज़ें आई हैं, स्पेशली झूलों के अंदर काफ़ी वैरायटी आई है। ये हनु 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 सांड के ऊपर बैठा है हनु। अब भैया थोड़ा तेज चलाओ, तेज चलाओ। हनु गिरने वाला है, हनु गिरने वाला है। तो दोस्तों इस बार मैंने ना बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, सब कुछ दिखाया आप लोगों को, और दिखा रहा हूँ आगे तक। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई, जल्दी से फटाफट। तो गाइस इस तरफ जितने भी झूले लगे हुए हैं ना फिलहाल, तो सारे लगभग छोटे बच्चों के झूले हैं, और इनकी रेट लगभग स्टार्ट है तो 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ और 50 रुपीज़ से स्टार्ट है। देखिए तो गाइस मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं मिकी माउस है, जिसकी रेट है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ में ये 5 मिनट 10 मिनट बस मैक्सिमम इतना आपको झूलने। आगे चलते हैं। तो गाइज ये इधर बोटिंग हो रही है छोटे बच्चों के लिए, 50 रुपीज़ बोटिंग की है, 4 मिनट आप बोटिंग कर सकते हो 50 रुपीज़ में।
गाइस ये 20 रुपए में निशाना यानी गोली चला सकते हो, बैलून फोड़ सकते हो। 20 रुपए में आपको 6 चांस मिलेंगे यहाँ पे। और ये कार्तिक फिलहाल देखते हैं एक भी बैलून फोड़ पाता है क्या आज। कार्तिक एक बैलून तो फोड़ते कम से कम। वेरी गुड कार्तिक ने 2 गोलियां चला दी अभी तक और एक बैलून फोड़ा है और ये तीसरी गोली चल रही है। वेरी गुड सिंगल बैलून पे निशाना बांधा भाई, करेक्ट गोली लगी है। एक बैलून हवा में उड़ते हुए पे इस पे मार। हाँ टेडी बियर पे। वेरी गुड ये खाली गया निशाना। तो गाइस मेले में आए और कुछ खा के न जाए ऐसा हो नहीं सकता ना। तो भाई आपको देखिए सबसे पहले मेले में एंट्री करते तो बीच में है ये केडिया बेकरी स्टॉल। भाई सबसे स्वच्छ बेकरी की यहाँ पे बर्गर वगैरह पेस्ट्री वगैरह मिलती हैं। तो भाई फुल गारंटी है, एक बार इनकी स्टॉल पे जरूर आएँ, साफ सफाई से सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। तो भाई अपनी तरफ से फुल गारंटी है इस स्टॉल की। तो भाई गोला तो हर बार मिलता है यहाँ पे, बर्फ़ का गोला, काला गट्टा लो, ऑरेंज लो, फ्लेवर लो, सारे फ्लेवर फिलहाल हैं और ये स्टॉल तो हर बार लगती है यहाँ पे। खैर और भाई बर्फ़ का गोला मेरा सबसे फेवरेट है आइसक्रीम के अंदर। मतलब अगर मैं मेले में आता हूँ तो सबसे पहले ये बर्फ़ का गोला ज़रूर खा के जाता हूँ, तो इसलिए मेरा तो यही फेवरेट है यहाँ का। तो ये भाई हम लोग तो बचपन से ही बूढ़ी माई के फूल बोलते हैं इनको, आजकल क्या बोलते हैं पता नहीं, अभी मुझे वही पता है बूढ़ी माई के फूल हैं। तो दोस्तों इस बार मेले में काफ़ी अच्छा रस है ना, और वैरायटी भी क्या है यहाँ पे थोड़ी अच्छी है इस बार, मतलब चीज़ें काफ़ी और हटके आई हैं। और मेला करीबन कम से कम मेला लगेगा 25 से 30 दिन के अंदर, इसका टाइम बता रहे हैं 25-30 दिन तक ये मेला कंटिन्यू यहाँ पे रहता है हर बार। तो काफ़ी टाइम है, आप लोग आराम से आ सकते हैं। वैसे मैं तीसरी बार मेले में अभी आ चुका हूँ यहाँ पे घूमने। और ये देखिए 2 बदमाश तो यहाँ पे लगे हुए हैं नाश्ता करते हुए। ये इनका वैसे सिर्फ नाश्ता ये मैं आपको बता दूं, पेट तो इनका अभी भरेगा नहीं। तो गाइस 20 रुपीज़ में आपको मिलेगा यहाँ पे लीची का एक जूस, काफ़ी ठंडा है और पी सकते हैं। और 20 रुपीज़ में मिलेगी आपको भेलपूड़ी, 20 रुपीज़ में भेलपूड़ी है जो कार्तिक खा रहा है। और 20 रुपीज़ में ही मैंने लीची का जूस लिया है तो काफ़ी शानदार है। और ये हमारे मित्रगण आए हैं यहाँ पे मेरा, उनके भी यहाँ पे स्टॉल लगी है। वैसे ये फ्री में खाए हैं यहाँ पर, पॉकेट में खाए हैं। तो गाइस मेले में और भी दुकानें, बहुत सारी दुकानें लगी हैं, मैं थोड़ी थोड़ी आपको सभी चीज़ों की आज है ना झलक दिखा देता हूँ मेले में। बाकी मैं तो बहुत गहरा वीडियो तो अभी इन चीज़ों का नहीं बनाऊँ, क्योंकि बाकी और जितनी भी दुकानें ना ये सब लेडीज़ से संबंधित दुकानें ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर आप ब्लॉगर हो, आप कुछ वीडियो वगैरह बनाते हो, इस टाइप के बनाते हो, तो यहाँ पर उसके लिए भी अपना काफ़ी सामान यहाँ पर है। और खाने पीने की तो चीज़ें हैं ही हैं यहाँ पे, मतलब अगर लेडीज़ से संबंधित जैसे चूड़ियाँ वगैरह की दुकानें काफ़ी हैं, और चश्मे वगैरह हैं, घड़ियाँ वगैरह हैं, इस तरह की काफ़ी दुकानें यहाँ पे लगी हुई हैं फिलहाल। और काफ़ी रश है, मतलब आप एक बार मेले में ज़रूर आए। मतलब कोरोना के बाद काफ़ी लोग घर में रहे हैं, इस तरह के मेले लगे ही नहीं हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक बार घूमने ज़रूर आएँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग आएँ और पैसे खर्च करें, यार मज़ा आता है मेले में आएँ तो। मैं तो भाई तीसरी बार आ रहा हूँ और एक महीना मेले लगाया तो 3-4 बार और चक्कर मार जाएंगे मेले के अंदर। और हमेशा मेला लगता तो ये देखो इस बार क्या है, गलीचे वगैरह हैं, कारपेट वगैरह हैं, कुशन कवर हैं, पिल्लो हैं, बेडशीट हैं, रजाई है, ये सब भी इस बार काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे आई है मेले के अंदर।
तो जो भी लेडीज लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें, इस बार मेले के अंदर जबरदस्त चूड़ियों की एक दुकान लगी है, बहुत बड़ी दुकान लगी है। तो सब लोग अपने, अगर शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड को बोलें और चूड़ियाँ लेके जाएं भाई, काफ़ी वैरायटी हैं। मेरी तो वाइफ गई हुई है तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। तो गाइज़ मैंने पूरी कोशिश किया आज का वीडियो काफ़ी अच्छा बनाऊं और आई होप आपको अच्छा लगा है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो भाई अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट तो अच्छा लगे या गंदा लगे जैसे लगे प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना भाई। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, धन्यवाद गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।